हेलो एवरीवन, सबका स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो मेरे पास है जे फॉक्स का स्मार्ट वॉच, जो कि अभी लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ है। अभी किसी ने भी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, ना ही इसकी रिव्यू दी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जे फॉक्स में क्या क्या फीचर्स होती है, जो कि मॉडल नंबर होता है JF500। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके के बॉक्स में अभी मार्केट में दिखने लगी है। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो वॉच अभी मार्केट में दिखने लगी है। तो आपको जैसे पता है कि मेरी स्टार ऑफिशियल चैनल पे आपको नए नए स्मार्ट वॉच की रिव्यू, फीचर्स और तरह तरह की आपको सेटिंग्स के बारे में बताता रहता हूं। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपके लिए हेल्पफुल और अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियो लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जे फॉक्स में क्या क्या फीचर्स है, साथ ही साथ हम इस वाले वॉच के अनबॉक्सिंग भी करेंगे और फीचर भी जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये जो नई मार्केट में आई हुई स्मार्ट वॉच जे फॉक्स है, और यहाँ पे आपको इमेज मिल जाती है तीन कलर के और तीन तरीके की स्मार्ट वॉच की, और ये आपको आ गया JF500। ठीक है, ये मॉडल नंबर है, ब्लैक कलर के बॉक्स में बना है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा जे फॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी फीचर्स। ठीक है, बैक साइड की हम बात करें तो यहाँ पे जे फॉक्स JF500 साइज 1.54 फुल टच डिस्प्ले, जो ऐप से कनेक्ट होगा वो है फिट प्रो। ठीक, फीचर्स की हम बात करें तो वो सेडेंटरी रिमाइंडर है, पेडोमीटर है, एक्टिविटी ट्रैकर है, स्टॉप वॉच है, कैलकुलेटर है, पुश नोटिफिकेशन, फाइंड फोन, रिमोट कैमरा, स्लिप मॉनिटर, रिकॉर्ड, कैलेंडर एंड अलार्म। और यहाँ पे आपको कलर चूज करने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने चूज किया है ब्लैक कलर। ठीक है, अगर पिंक पे टिक रहेगा तो आपके पास पिंक आएगा, है ना, तो मैंने ब्लैक चूज किया था। तो फर्स्ट एंड फॉल हम इस वाले बॉक्स की पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके के बॉक्स में ये पैकिंग है, हम यहाँ से इसकी सील को नीचे तोड़ देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो आप, हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया तो हमें फर्स्ट एंड फॉल क्या मिल जाता है, मैनुअल। ठीक है, जे फॉक्स रिस्ट बैंड का मैनुअल मिल जाता है, जो कि हम इसको साइड में रख देते हैं। देन हमारे को मिल जाता है चार्जर, जो कि लॉकेबल होता है। ये काफ़ी अच्छा है, फीचर्स हैं। ठीक है, जो लॉकेबल चार्जर इसमें दे रखा है, इसमें क्या होता है, डायल पूरी तरीके से फिक्स होता है, गिरने के चांसेस ही नहीं होते। ठीक है, ये ना ऐसे फिक्स हो जाता है, फिर आप चाहे अलमारी के ऊपर लगाओ या फिर ऐसे रख दो, ठीक है, गिरने के चांसेस कम रहते हैं। तो यार उसके बाद हमारे को मिल जाता है एक स्ट्रिप, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। हाँ, आपको दिखा दें, ये रहा हमारा स्ट्रिप, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्ट्रिप की, है ना। उसके बाद हमारे को मिल जाता है एक डायल। ठीक है, जो कि डायल की हम बात करें तो पहले बैक साइड से हम पिन निकाल देते हैं इसका, और यहाँ से हम इसका स्टिकर निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें देखो आपको दो बटन मिल जाती है, पहला तो आपको मिल जाता है क्राउन, जो कि शो पीस होता है, वर्क नहीं करता। ठीक है, ये आपका मिल जाता है बटन, जिसे ऑन और ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, देन यहाँ पे आपको मिल जाती है दो स्पीकर। ठीक है, और ये ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच होने वाली है ना दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जे फॉक्स, ठीक, कंपनी का नाम मतलब ब्रांड जे फॉक्स। ठीक है, तो बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड पे हमारे को मिल जाता है मैग्नेटिक चार्जर का दो पिन, यहाँ पे मिल जाता है आपको सेंसर Series 7, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ कॉलिंग और IP67 वाटर प्रूफ, मतलब IP67 वाटर प्रूफ कुछ हद तक है। ठीक है, Series 7 का। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करने से पहले हम स्ट्रिप को लगाते हैं। स्ट्रिप को हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है, सेट, और ये भी हमने कर लिया यहाँ से सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रिप सेट। देन यहाँ से अब हम ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले ही आप लोगों को पता चल गया ये फुल डिस्प्ले नहीं है, ये हाफ डिस्प्ले है, यहाँ देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक है। तो ये हमने ऑन कर लिया, पहले हम इसके अंदर देखते हैं कितने वॉलपेपर है। इसमें वॉलपेपर हैं 2, 3, 4, 5, 6 वॉलपेपर इसमें है। ठीक है, इसमें आपको 6 वॉलपेपर मिल जाते हैं, है ना। और जब हम ऊपर की साइड स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉलिंग का मिल जाता है, कॉन्टैक्ट, फोन बुक का, यहाँ पे मेन्यू स्टाइल इसमें 1, 2, 3 है। ठीक है, यहाँ पे आपको म्यूजिक का मिल जाता है, देन यहाँ पे स्टेप का, यहाँ पे बारकोड मिल जाता है। और हम नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो जो मैसेज आती है वो आपकी शो होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। जब इसमें टच करते हैं तो फीचर्स आ जाते हैं जो जो इसमें होते हैं, स्टेप्स का होता है, हार्ट रेट का होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सेंसर पीछे लगा हुआ है, बैक किया, फोन बुक भी होता है, मैसेज भी होता है, और यहाँ पे आपको डायल का मिल जाता है, रनिंग का मिल जाता है, सीटअप का मिल जाता है, जंपिंग का मिल जाता है। यहाँ पे वेदर भी चेक कर सकते हो, स्लिप भी है आपका,
टॉर्च का है, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, यहाँ रिसेट भी कर सकते हो बट नहीं करना मेन्यू स्टाइल 1 2 3, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। कैमरे का भी है, स्टॉप वॉच भी कर सकते हो स्टार्ट यहाँ से, देन यहाँ पे QR कोड आपका शो हो जाएगा। मोर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सेट लैंग्वेज सेट टाइम वगैरह कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे फेसबुक वगैरह का मैसेज आएगा, ट्विटर का मैसेज यहाँ आएगा, और यहाँ पे स्टॉप वॉच का व्हाट्सअप का मैसेज आएगा। लेकिन एक चीज मेरे समझ नहीं आया कि जब बैक साइड यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, तो इसमें कैलकुलेटर क्यों नहीं शो कर रहा, देखते हैं यार थोड़ा सा। उस पे गए मेनू स्टार स्टॉप वॉच, नोट सेटिंग पे जब गए तो आपको मिल जाता है नोट सेटिंग पे श्री अबाउट, ठीक है, सेट लैंग्वेज, ठीक है, सेट टाइम, ठीक है, उसके बाद बैक लाइट, ठीक है, बैक टू डायल। तो यार इसमें कैलकुलेटर इसमें नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, फीचर सारे हमने चेक कर लिए, कैलकुलेटर बस शो हो रहा है, बैक साइड दे रखा है बट इसमें कैलकुलेटर है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो तब तक के लिए बाय।